यहाँ पे हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा है, लेंथ है 15 इंच, चेस्ट 40 इंच, कमर 34 इंच, शोल्डर 16 इंच, आर्म होल 17 इंच, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 10 इंच और टक्स पॉइंट 10.5 इंच है। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है और एक बॉडी मेजरमेंट पर आधारित कटिंग है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पर साइड में छोटा सा दिखेगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये हमारा है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हमें देखनी है इसकी लेंथ। इसकी जो हमारी लेंथ है वो है करीबन 15 इंच। तो देखिए 15 इंच और शोल्डर में जितना दबेगा उतना हमें छोड़ देना है। तो ये हमारा यहाँ पे 15.5 इंच आएगा और उसके बाद एक मार्किंग हम 6 इंच पर कर देंगे। अब ये दोनों लाइनों को हम भी स्ट्रेट मिला लेंगे। अब चाहे तो पूरा भी मिला सकते हैं। अभी हमें देखनी है इसकी चेस्ट। इसकी जो हमारी चेस्ट है वो है 40 इंच, लेकिन ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है और यहाँ पे 40 इंच है। तो हम बॉडी मेजरमेंट होता है तो चेस्ट में लूजिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पिछले गला है वो 10 इंच डीप है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी लूजिंग नहीं देते। अगर गला बंद तो हमें लूजिंग देना पड़ता था, तो उसके लिए आप हमारा चेस्ट लूजिंग वाला वीडियो देखिए जो हर साइज में अवेलेबल है। 4 से लेके 12 इंच का गला डीप होता है तो कितना लूजिंग देना है वो सब हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। 40 का 4 डिवाइड होता है हमारा करीबन 10 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 10 इंच रखेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हमें करना है इसकी कमर। कमर है 34 इंच, तो 34 कमर में भी हम कुछ भी लूजिंग नहीं देते हैं। तो 34 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 8.5 इंच पर लगा देंगे और फिर यहाँ पे एक हमारा टक्स आएगा, तो टक्स के लिए 1 इंच एक एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेना है। अभी देखिए हमें ये वाला नहीं देखना बल्कि ये वाला देखना है। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें देखना है इसका शोल्डर। इसका शोल्डर है वो 16 इंच है, लेकिन यहाँ पे जो इसका गला है वो है 10 इंच डीप। जैसे जैसे हमारा गला डीप होता है वैसे शोल्डर भी हम कम कर देते हैं अगर बॉडी मेजरमेंट से लिया होता है तो। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आएगा वो आएगा करीबन 11 इंच। 11 का आधा होता है हमारा 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसकी ब्रॉडनेस हम करीबन 2.5 इंच देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे। ये शोल्डर भी किस तरीके से होता है तो इसके लिए भी हमारा 28 से लेकर 46 इंच तक बन गया हुआ है। जैसे जैसे 4 इंच का गला होता है तो शोल्डर हमें पूरा रखना पड़ता है। 6 इंच 8 इंच 10 इंच वैसे वैसे शोल्डर माइनस होता है। उसके लिए भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम इसका गला का मार्किंग करेंगे। तो देखिए अभी हमें यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया वहाँ से हमें 10 इंच गला है इसका डीप, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ गले का। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट ना रखते हुए हल्का सा इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसको भी हम स्ट्रेट ना नहीं रखेंगे बल्कि इस तरीके से क्रॉस में एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम आर्म होल का शेप देंगे और ये वाली शेप देने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा एक टक्स आएगा जो हमारा करीबन 4.5 इंच ऊपर रहेगा। 4.5 से आप 5 इंच भी रख सकते हैं। तो अभी इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें देखना है इसका आर्म होल। तो इसका जो हमारा आर्म होल है वो है 17 इंच। तो 17 इंच हमें यहाँ से नापना है, 17 का हमारा आधा करना पड़ेगा तो ये हमारा होता है करीबन 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हम शोल्डर में दबाएंगे यहाँ पे हम इतना शोल्डर में दबाएंगे तो उतना हमें यहाँ से छोड़ देना है। ये देखिए इतना हम यहाँ पे शोल्डर में दबाएंगे तो उतना हमें यहाँ से छोड़ देना है और उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको नापना है तो 8.5 इंच हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8.5 और 1 धागा ज़्यादा है तो इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा तो ये हमारा 8.5 इंच हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 इंच होता तो हम थोड़ा ऊपर इस तरीके से 1/2 इंच कर देते, अगर कम होता तो हम यहाँ पे डीप कर देते तो ये हमारा हो जाता। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख ले। अभी हम कटिंग कहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर रख के कटिंग करेंगे। वो जब भी मैं यहाँ पर कटिंग करता हूँ तो आप देख लेना।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा मार्किंग यहाँ था, लेकिन हमने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर किया था क्योंकि ये दाग ज़्यादा था, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाने के बाद गला हम बाद में कटिंग करेंगे, लास्ट में तो भी चलेगा। अभी हम इसका आगे वाला पार्ट कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो गया। अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका टच पॉइंट देखेंगे। तो इसका टच पॉइंट था वो था हमारा करीबन 10.5 इंच। तो 10.5 इंच था, तो हम यहाँ पे 11 इंच लेंगे और दूसरा 1-2 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा ये करीबन 13 इंच। तो एक मार्किंग हम 13 इंच पे इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। तो ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमने ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग कर दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे इसके साथ और इसको यहाँ पे इसके साथ इस तरीके से करेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। और ये वाला स्ट्रेट मिल जाने के बाद अभी ये वाला हमारा यहाँ पे आता है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। ये 3 मार्किंग करना है और यहाँ पर हमें ये यहाँ पे इसका आता है तो एक एक्स्ट्रा मार्किंग ही करना है। ये बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने एक ही मार्किंग किया, यहाँ पे हमने 2 मार्किंग एक्स्ट्रा किया हुआ है। और ये इतना मार्किंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम करीबन 0.75 इंच एक और मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने से पहले ये वाले मार्किंग को इसके साथ ऐसे मिला देना है और ये वाला मिल जाने के बाद इसको हमें यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिला देना है। और उसके बाद देखने इसकी कमर, कमर है हमारी 34 इंच। 34 का हमारा 4 डिवाइड होता है, वो करीबन होता है 8.5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 8.5 इंच पर करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हल्का सा क्रॉस में रखेंगे और दूसरा मार्किंग हम मार्जिन का करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एक मार्किंग कर देंगे तो भी चलेगा, वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। योग में थोड़ा सा बढ़ता है तो चलता है। देखिए इतना हमारा हो जाने के बाद यहाँ पे सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा रख देना है और ये वाला भी हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख देना है। तो ये हमारा योग भी कटिंग होके तैयार हो गया हुआ है। तो ये भी हमारा योग कटिंग होके तैयार हो गया हुआ है। अभी हम इसका आगे वाला फ्रंट कटिंग करते हैं। ये हमारा योग कटिंग हो जाने के बाद अभी हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले इसको हम हटा देना है और इसकी बैक साइड लेनी है। और बैक साइड लेने के बाद अभी सबसे पहले जो हमें काम करना है वो करना है गले का काम। तो गला इसका हमारा 7 इंच, आपका जितना भी गला हो, आपका 6.5 इंच है तो आप 7 इंच पर मार्किंग कर देना, और 7 इंच है तो 7.5 इंच, और 7.5 इंच गला है तो 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर देना। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसको जैसे हमने पहले क्रॉस लिया था वैसे क्रॉस नहीं लेना, बल्कि इसको अभी हमें लेना है वो लेना है स्ट्रेट और फिर हम यहाँ पर गले का मार्किंग कर देंगे। और ये वाला गले का मार्किंग हमारा हो जाने के बाद देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से हल्का सा क्रॉस में एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। और ये स्ट्रेट मार्किंग कर देने के बाद देखिए ये हमारा जहाँ से इसकी अच्छी गोलाई आई है गले की, वहाँ से हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट लिया और यहाँ पर भी ये हमारा इस तरीके से खांचेगा, इसके लिए ये हमारा बराबर ही हो जाएगा। वो बाद में जब भी हम इसका वाला पार्ट कटिंग करेंगे वो तभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हमें इसको जो कपड़े में कटिंग करना है, लेकिन आपको कपड़े में आप अगर कपड़े में कटिंग करते हो तो कपड़े में करना है, हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग पेपर में कटिंग करें। तो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से ड्राफ्टिंग पेपर है। तो देखिए इसको हमें कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे इतनी जगह नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा बरोबर आना चाहिए और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कटिंग करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा इस तरीके से है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है। अभी यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर देना है। अभी ये वाला पार्ट है ये हमें यहाँ पर और यहाँ पे एक मार्किंग। अभी यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना, क्यों नहीं रखना कि हमने जब भी मैंने आपको बोला था कि योग हमारा यहाँ पे आ रहा है एक एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा मार्किंग, तो वो हमारा इसमें आ गया हुआ है। तो वो वाला मार्किंग नहीं करना और ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी हमें ये वाला मार्किंग करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम एक मार्कर लेंगे और मार्कर की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देंगे।
तो ये वाला हमारा इस तरीके से मार्किंग हो गया हुआ है। तो अभी देखिए ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद ये हम ये वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे, और शायद से आपको कैमरे में से नहीं दिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं आपको मार्किंग मिला के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से हो गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम हल्के से गोलाई भी दे सकते हैं। अभी हम इसे कटिंग करेंगे तो कटिंग हम इसके साथ ऐसे ही कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट कटिंग होकर तैयार हो गया। एक कट हमने यहाँ पे लगाया और एक कट हम यहाँ पे लगाया हुआ। देखिए यहाँ पे आप हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको हल्की से इस तरीके से गोलाई दी हुई, शायद आपको दिख रही होगी, वैसे आप हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। अभी हम करेंगे इसकी कटोरी कटिंग। तो चलिए हम इसकी कटोरी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कटोरी कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने एक ड्राफ्टिंग पेपर लिया और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर दिया। वो हमने कैसे किया कि इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर दिया। अभी देखिए ये वाला मार्किंग इस तरीके से रख देने के बाद यहाँ पर कुछ हम एक स्केल है वो स्केल रख देंगे, इस तरीके से एक स्केल रख देंगे। और स्केल रख देने के बाद देखिए ये वाला लाइन है और ये वाले इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे ऐसे रख देंगे तो देखिए ये वाली लाइन अपने आप ही मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन है वो अपने आप ही मिल जाएगी। अभी ये हमारा इतना हो जाने के बाद ये जो हमने गले का मार्किंग किया है वो गले का मार्किंग हमें कर देना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा चेस्ट का मार्किंग, और फिर ये हमारा योग का मार्किंग किया है वो वाला मार्किंग, और यहाँ पे है वो एक स्ट्रेट मार्किंग, इस तरीके से कर देना है। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें देखना है यहाँ पे इसका टॉक्स पॉइंट। टॉक्स पॉइंट था 10.5 इंच लेकिन हमें यहाँ पे 11 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। तो हम यहाँ पे 11 इंच पर एक मार्किंग इस तरीके से डॉट कर दिया हुआ है। अभी मैं गले का मार्किंग आपको करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर भी हम इसको स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, और फिर यहाँ पर भी ये वाला स्ट्रेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे एक स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। और ये स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद टॉक्स पॉइंट का भी हमें स्ट्रेट मार्किंग करना है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको देख लेना है। तो ये यहाँ पे हमारा 2 और 1 धागा ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 2 और 1 धागा ज़्यादा पे एक डॉट कर देंगे, और वही सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी हम इसको डॉट कर देंगे। तो ये तीनों डॉट है उसके हमें मिला देना है आपस में। और ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी इसका हमें बीस का सेंट्रल लेना है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं देखिए यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद ऐसे डॉट मिला देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे। अभी हमें इसको स्ट्रेट खींच लेना है, और ये हमारा स्ट्रेट हो जाने के बाद अभी यहाँ पे करीबन 1 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा। वो जो हमने यहाँ पे 1-1 इंच लिया है वो हमें यहाँ पे और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 1 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। ऐसे हमें इतने मार्किंग कर देने हैं। तो ये मार्किंग को भी मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फालतू कपड़ा कटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये है वो कपड़ा फालतू है वो कटिंग कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कट लगा दिए, यहाँ पे 2 कट आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हुए। अभी देखिए इसको हमें ये वाला मार्किंग है उसको हमें स्ट्रेट इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये हम इस तरीके से स्ट्रेट फोल्ड कर देंगे। तो ये हमें यहाँ नहीं देखना बल्कि ये वाला पार्ट ही देखना है। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा आपस में मिलेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला दोनों पार्ट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है और यहाँ पे ये वाली लाइन है वो 2 लाइन भी हमारे यहाँ पे आपस में मिल जाएगी। वैसे एक और इस तरीके से कर देना है, और ये इस तरीके से कर देने के बाद इसको हमें खोल देना है, और जहाँ पर भी टॉक्स पॉइंट है ये वाला और ये वाला लाइन
ये जो हमने पहले लगाया था वो वाला लाइन आपस में मिलना चाहिए। अगर वो हमारा मिल जाएगा तो यहाँ पे जितना मार्किंग आया उतना ही यहाँ पे आएगा, ये बात भी आप खास ध्यान रखिएगा। अभी हमें यहाँ पे इसको इसके साथ रखना है, देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और उसके बाद हमें इसको कटिंग कर देना है। याद रहे कि वो नीचे वाला कपड़ा कटना नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट ही कटा हुआ है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से मोड़ा, और फिर ये वाला जो ये दोनों है उसको हमने इस तरीके से मोड़ा, और फिर ये वाली लाइन है और ये वाली जो हमारी लाइन खींची थी, सॉरी ये वाली जो लाइन खींची थी और ये वाली लाइन, ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन दोनों है वो मिल रही है, इस तरीके से हमने किया। तो अभी ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो गया, तो अभी हम इसे भी कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो, बल्कि यहाँ पे जो हमने पहले 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी हमें कटिंग कर देना है। ये हमने कहाँ पर लिया था, तो ये हमने जो योग में लिया था ये वाला पार्ट, तो वो हमें यहाँ पे कटिंग कर देना है। देखिए ये वाला जो हमने पार्ट लिया था वो हमें यहाँ पे कटिंग करना है। तो ये अभी हमारी कटोरी है वो बनके तैयार है। तो अभी हमें क्या करना है, तो ये वाला पार्ट है उसको लेना है, और इसको हमें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमें इसको नापना है। तो ये यहाँ पे हमारा हल्की सी बढ़ रही है, लेकिन ये हमारी बराबर ही है। ये देखिए पीछे वाला पार्ट हमारा ये इस तरीके से है। तो इतना हमारा हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जो हम सिलाई में दबाएंगे उतना यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे। और ये वाला पार्ट हमारा छोड़ने के बाद हम योग लेंगे और इसको हम यहाँ से नापेंगे। तो ये देखिए ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी हमारा हो गया हुआ है, तो ये अभी हमारा सही है। तो अभी हम इसको मेन कपड़े में रखने के बाद पीछे वाला पार्ट कटिंग कर देंगे, और इसको मेन कपड़े में रखने के बाद इसको सिल देंगे कटिंग करके। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो अस्तर के साथ कैसे जॉइंट करेंगे, और इसके फुल स्टिचिंग का वीडियो भी हमारा आपको टेलरिंग ज्ञान चैनल पर मिल जाएगा। तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर विजिट करके वो वाले वीडियो भी देख लेना। स्टिचिंग का वीडियो दो पार्ट में बना हुआ है, अस्तर वाला ब्लाउज है, और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का नाप लेके इसकी आस्तीन कटिंग करना है। तो आस्तीन कटिंग हमारी एक तरीके से ही होती है, 3 से लेके 20 की आस्तीन तक का फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है, और भी हमारे 3-4 वीडियो आस्तीन कटिंग पे बन चुके हैं, वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।